अब समझो आप आंसर लिख रहे हो, तो आंसर लिखते हुए आपको एक चीज गलती से भी नहीं भूलनी है, एंड दैट थिंग इज। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भाई आंसर्स कैसे लिखें। अब आपका ये डाउट होगा कि भैया पढ़ाई तो कर ली, रिविजन भी कर लिया, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे वो भी पढ़ लिया, बट आंसर्स नहीं लिख पाते, समझ ही नहीं आता कि स्टार्ट कहाँ से करें, एंड कहाँ पे करें, किस टाइप का आंसर लिखें, लैंग्वेज किस तरह की होनी चाहिए। अगर आपके भी यही सारे डाउट्स हैं सो दिस वीडियो इज फॉर यू। अब आंसर कैसे लिखें इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एक चीज देखी जाती है कि आपने आंसर किस तरह से लिखा है। अगर आपने ये जो स्किल है इसको मास्टर कर लिया, आपको भी मेरी तरह साइंस के दोनों पार्ट्स में, दैट इज साइंस 1 एंड साइंस 2 में मेरी तरह 35 प्लस मिल सकते हैं, प्लस जो अपने SST के सब्जेक्ट हैं सोशल साइंस उसके अंदर भी आपको 95 प्लस मिल सकते हैं। सो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ऐसी बात नहीं करने वाले कि एक पॉइंट ये बता दिया, एक पॉइंट वो बता दिया, हम स्टेप बाय स्टेप फुल गाइड टू गाइड चलने वाले हैं। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, और इंतजार किस बात का, लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। अब देखो यार, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो जो पॉइंट्स बताने वाला हूँ, अगर आपने उन्हें अच्छे से सीरियसली फॉलो कर लिया, आपके अच्छे मार्क्स तो क्या आउट ऑफ मिल सकते हैं, बट उसके लिए आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से केयरफुली सिंसियरली देखना होगा, क्योंकि तभी आपको सारे टिप्स समझ में आएंगे कि आपको आंसर को किस तरह से प्रेजेंट करना है। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 1, दैट इज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब बहुत सारे बच्चों के साथ होता क्या है ना, उनके हाथ में चाहे से कोई भी क्वेश्चन पेपर आए, फॉर एग्जांपल बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आए, वो एक्साइटमेंट में या फिर नर्वसनेस में वो करते क्या है ना, वो क्वेश्चन को ही अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, दे डोंट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, और उसी वजह से जो क्वेश्चन में पूछा गया है द मेन थिंग जो कि क्वेश्चन में पूछी गई है वो उसको लिख के नहीं आते हैं, वो कुछ और ही लिख देंगे और फिर बोलेंगे हमने तो पूरा क्वेश्चन लिखा है, हमने तो पूरा आंसर लिखा है, हमें क्यों नहीं मार्क्स मिले। आपको ये नहीं करना है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली और समझने की कोशिश करो कि पूछा क्या जा रहा है, उसकी वजह से आपको आपका आधी प्रॉब्लम तो उधर ही सॉल्व हो गई, क्योंकि आपको पता है कि आपको लिखना क्या है। अब समझो आपने क्वेश्चन तो अच्छे से पढ़ लिया और आपको पता भी चल गया कि आपको लिखना क्या है, द सेकेंड थिंग यू हैव टू डू इज प्लान योर आंसर। अब आप आंसर लिखने से पहले थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालो, उसके अंदर आपको सोचना है, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है वॉट इज रेडॉक्स रिएक्शन, अब इसके अंदर आपको प्लान आउट करना है कि आपको किस चीज़ के बारे में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपने सोच लिया कि मैं फर्स्ट पॉइंट में इंट्रोडक्शन दूंगा, सेकंड पॉइंट में बताऊंगा कि होता क्यों है, थर्ड पॉइंट में बताऊंगा उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, उसकी वजह से आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि आपको आंसर कैसे लिखना है, और फिर एक बार आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा ना, आपको खुद को सेटिस्फाइड फील होगा कि मैंने अच्छे से लिखा है, और कोई भी रिग्रेट नहीं होगा कि यार ये पॉइंट भी मैं लिख सकता था या फिर ऐड कर सकता था, और उसकी वजह से आपका जो आंसर है वो एकदम अच्छा कन्विंसिंग और वेल स्ट्रक्चर्ड लगेगा। अब समझो आपने अपने आंसर को प्लान आउट कर लिया कि मुझे पॉइंट 1 में ये लिखना है, पॉइंट 2 में ये लिखना है, पॉइंट 3 में ये लिखना है, अब आपको करना क्या है, द थर्ड थिंग यू हैव टू डू इज यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। अब बहुत सारे बच्चों के साथ होता क्या है ना, वो सोचते हैं कि मैं हाई वर्ड्स यूज़ करूँगा या फिर थोड़े से हैवी वर्ड्स यूज़ करूँगा, बोर्ड एग्जामिनर उनसे इम्प्रेस हो जाएगा, कहते ही नहीं होगा, उसको लगेगा कि यार इसने क्या लिखा, ये हैवी वर्ड्स क्यों लिख रहा है तू, मैं आपको बोल रहा हूँ हैवी वर्ड्स क्यों लिख रहे हैं, जब आप अपने सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में कोई चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो, आपको क्यों हैवी वर्ड्स यूज़ करने हैं, क्यों फालतू में अपने आंसर की लेंथ बढ़ानी है, आपको सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में लिखना है। अब सिंपल से याद आया, आपको कीवर्ड्स तो ऐड करने ही होंगे। अब कीवर्ड्स जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन आई का, अब अगर आप ह्यूमन आई में सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स ऐड कर रहे हो, जैसे कि आयरिस, प्यूपिल, ह्यूमन आई का डिस्टेंस वो इन्फिनिटी तक देख सकता है, मिनिमम वो कितने सेंटीमीटर तक देख सकता है, अगर आप ये सारी चीज़ें अपने आंसर में ऐड कर रहे हो ना, वो एक अलग इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर के ऊपर, और उसको ये कन्फर्म हो जाएगा कि यार इसने पढ़ाई की है, ये आंसर लिख पाएगा, इसको मार्क्स दे देते हैं। इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आंसर में कीवर्ड्स ऐड होने ही चाहिए, प्लस सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में आपको अपना आंसर प्रेजेंट करना होगा। अब मैंने खुद ने भी मेरे SST के पेपर में यही किया था। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फ़ोटो है मेरे खुद के रिबोर्ड्स के ज्योग्राफी के पेपर की, उसके अंदर मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज यूज़ की थी, प्लस आंसर के अंदर कीवर्ड्स ऐड किए थे, और जो हमारा लास्ट का क्वेश्चन होता है ज्योग्राफी का, दैट इज़ ऑफ 8 मार्क्स, उसके अंदर 4-4 मार्क्स के दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स स्कोर किए थे और एक में 3.5 मार्क्स। अगर आपको वो फोटो देखनी है, ये रही वो फोटो, इसके अंदर अगर आप पॉज करके देखोगे यू विल सी वॉट कि मैंने हर एक
पॉइंट को अच्छे से लिखा है, सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में लिखा है, प्लस कीवर्ड्स ऐड किए हैं और ऊपर से उनको हाईलाइट भी किया है ताकि वो अच्छे से एग्जामिनर को उठ के दिखें। पॉज इट राइट नाउ एंड रीड इट। आप समझ में आया? मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ कि लैंग्वेज अच्छी रखो, प्लस सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। अब समझो, आप आंसर लिख रहे हो, तो आंसर लिखते हुए आपको एक चीज़ गलती से भी नहीं भूलनी है, एंड दैट थिंग इज नॉट फॉलोइंग वर्ड लिमिट। अब वर्ड लिमिट, बहुत सारे बच्चे सोचते क्या है ना कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पूरा पेज भर देंगे कि एग्जामिनर तो फुल मार्क्स दे देगा। नहीं देगा भाई, जब तक आपका आंसर अप टू द मार्क नहीं लगा है एग्जामिनर को, वो आपको मार्क्स नहीं देने वाला है। इसीलिए हम करें क्या, तो अपने आंसर में कीवर्ड्स को यूज़ करो, सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज़ करो, उसकी वजह से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखना, आंसर को फालतू में लेंदी करने की कोशिश मत करो, क्योंकि उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये आप एक दिन में नहीं सीखने वाले हो, ये आप सीखोगे कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से। तो आपको आज से ही प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना चालू कर देना है। स्टार्ट इम्प्रूविंग योरसेल्फ फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। अगर आपको मेरा ये जो पॉइंट है अच्छे से क्लियर हो चुका है, कमेंट डाउन बिलो, आई एम गोइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। मैं समझ जाऊंगा किस किस ने ये वीडियो यहाँ तक देखी है। अगर हम इस वीडियो को समराइज करें, आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन केयरफुली। आपने क्वेश्चन अच्छे से समझना है कि आपको लिखना क्या है, प्लस प्लान आउट योर आंसर। आप आंसर लिखने से पहले ही सोच लो कि आपको क्या लिखना है, किस सीक्वेंस में लिखना है, उसकी वजह से आपको कोई भी रिग्रेट नहीं रहेगा आंसर लिखने के बाद में। प्लस सिंपल और इजी लैंग्वेज यूज़ करो, उससे बोर्ड एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा और आप भी अपने आंसर को अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। प्लस आपको कीवर्ड्स अच्छे से यूज़ करने हैं। एंड यस गाइस, एक इंपॉर्टेंट नोटिस, मैं संडे को लाइव आने वाला हूँ, मैं अनाउंस कर दूंगा कितने बजे आऊँगा, बट आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी छोटे से छोटे डाउट्स हैं जो कि आपको लगता है कि यार मैं अपने टीचर से नहीं पूछ पा रहा हूँ, या फिर जो भी अलग यूट्यूबर है उनसे नहीं पूछ पा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि एक सीनियर जिसने खुद ने बोर्ड एग्जाम को खुद बैठ के दिया है वो मुझे बताए, अपने सारे डाउट को नोट करके रखो, क्योंकि हम संडे को लाइव आने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड फॉलो फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट।